दोस्तों आज के इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक समझाने वाला हूँ आप लोग को। आप जिसकी मदद से आप लोग अपना यूट्यूब वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज को इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, आप लोग दोस्तों अगर सही समय पर सही काम करते हैं तो दोस्तों आप लोग 100% सक्सेसफुल हो पाएंगे जो भी काम करते हैं। अगर दोस्तों आप लोग सही समय पर सही काम नहीं करते तो कभी भी आप लोग सक्सेस हो नहीं पाएंगे। दोस्तों आप लोग यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो को अपलोड किया है और अपलोड करते भी है। आप लोग को दोस्तों ये मालूम नहीं पड़ता है आपका जो व्यूअर्स है, आपका जो ऑडियंस है, वो कौन सा समय में यूट्यूब पर मौजूद रहता है और दोस्तों कौन सा समय में आप लोग को वीडियो अपलोड करना चाहिए आपका यूट्यूब चैनल पे, ये भी आप लोग को मालूम नहीं। दोस्तों आपका व्यूअर्स कब मौजूद रहता है ये पूरा डिटेल में आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोग खुद देख पाएंगे कि मेरा जो व्यूअर्स है उस टाइम पर यूट्यूब पर मौजूद रहता है। हम पूरा डिटेल में आप लोगों को दिखाऊंगा, ये आप लोग अपना खुद का चैनल पर आप लोग देख पाएंगे कि उसी टाइम पर मेरा व्यूअर्स मौजूद रहता है। और दोस्तों कौन सा समय पर वीडियो को अपलोड करना चाहिए ये भी आप लोगों को दिखा दूंगा। आपका चैनल पे आप खुद देख पाएंगे कि ये समय है मेरा चैनल पे वीडियो अपलोड करने के लिए। तो दोस्तों हम अभी ज्यादा देरी नहीं करेंगे, तो चलिए दोस्तों आप लोग YT स्टूडियो को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पे व्यू मोड जो है इसका ऊपर क्लिक करना है। इसका ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ओवर व्यू, कॉन्टेंट, ऑडियंस, रेवेन्यू। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को ऑडियंस का ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों ऑडियंस का ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग नीचे देख सकते हो व्हेन योर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब, ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये वीकली कैलेंडर, यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये समय है, यहाँ पर समय दिया हुआ है, ये कैलेंडर है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये जो 7 डेज का यहाँ पे कैलेंडर है, यहाँ पे हर बार का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पर ग्राफ है, उसका नीचे नीचे जो बार है उसका नीचे ग्राफ है। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि मेरा जो व्यूअर्स है वो कौन सा बार में और कौन सा टाइम में यहाँ पर यूट्यूब पर मौजूद रहता है। संडे है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये रात का समय होता है, यहाँ पर मेरा ऑडियंस नहीं रहता है। ये दोस्तों वीकली पूरा जो है यहाँ पर ऑडियंस नहीं रहता है, वो रात का समय हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 5:59 जो है यहाँ पे सुबह का समय होता है, यहाँ पे दोस्तों कुछ ऑडियंस रहता है, इतना ज़्यादा नहीं। ये जो दोस्तों 11:59 है यहाँ पर भी मेरा जो व्यूअर्स है वो मौजूद रहता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वो 6 बजने वाला है, उसका 20 में जो है यहाँ पे कोई ग्राफ नहीं, यहाँ पर मेरा ऑडियंस जो है व्यूअर्स जो है वो मौजूद नहीं रहता है। उसका बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 5:59 पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये दोस्तों यहाँ पर मेरा जो ऑडियंस है वो पूरा यहाँ पर मौजूद रहता है। तो दोस्तों हमने अभी आप लोगों को यहाँ पर दिखा दिया हूँ कौन सा समय पर मेरा जो ऑडियंस है वो यूट्यूब पर मौजूद रहता है। सेम उसी तरह आप लोग भी अपना YT स्टूडियो में जाके इसी तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका जो ऑडियंस है, व्यूअर्स है, वो कौन सा समय में मौजूद रहता है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देते हूँ अभी कौन सा समय पर वीडियो को अपलोड करना है या आप लोग समय कैसे चुनेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को पता चल जाएगा ये रात का समय यहाँ पर ऑडियंस नहीं, व्यूअर्स नहीं है। उसका बाद सुबह का समय यहाँ पे भी व्यूअर्स नहीं है। ये जो दोपहर का समय होता है 11:59 यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, इतना ज़्यादा व्यूअर्स नहीं है। ये वीकली आप लोग देख सकते हैं ग्राफ यहाँ से गिरा नहीं है, ये समय में भी अपलोड कर सकता हूँ मैं। उसका बाद दोस्तों यहाँ पर बीच में कोई ग्राफ नहीं है, 6 बजे जो मेरा ऑडियंस है वो पूरा यूट्यूब पर मौजूद रहता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर हमको वीडियो अपलोड करना है यूट्यूब पर तो दोस्तों 12 बजे करना है दिन का, दोपहर का, और यहाँ पे शाम का समय जो होता है 6 बजे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 बजे का बाद में या 7 बजे का अंदर यहाँ पे हम वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह
आप लोग अपना वाटी स्टूडियो में जाके आप लोग सुन सकते हैं कि कौन सा समय सही रहता है आप लोग वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए। तो दोस्तों हमने अभी पूरा डिटेल में आप लोगों को दिखा दिया हूँ। अगर दोस्तों आप लोग को कोई कन्फ्यूज रहता है तो दोस्तों आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना तक है। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।